हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये पोको का M6 5G है जिसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। अगर आपके भी फ़ोन में इस तरह से पासवर्ड लॉक लग जाता है और दूसरा कोई पासवर्ड लॉक डालने से अनलॉक नहीं होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊँगा इसका पासवर्ड लॉक कैसे अनलॉक करते थे। मैं वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। तो पहले डिस्प्ले कलर जला लेंगे। आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखे रहेंगे। अब यहाँ पर पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब स्लाइड करके ऊपर करेंगे और इस फ़ोन को पावर ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा फ़ोन ऑफ हो चुका है। अब फ़ोन के इस साइड में देखिए, सबसे ऊपर में वॉल्यूम अप बटन है, उसके नीचे में वॉल्यूम डाउन बटन है और सबसे नीचे में पावर बटन है। तो हम लोग क्या करना है, रिकवरी मोड लाना है। तो रिकवरी मोड लाने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम अप बटन को दबा के रखे रहेंगे, उसके बाद जाके पावर बटन दबाएंगे। जैसे ही आप पोको लिख के आएगा, पावर बटन छोड़ देंगे, और जैसे ऑप्शन आएगा तो वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम अप बटन को हम लोग दबा दिए, उसके बाद जाके पावर बटन को दबा दिए, इसी तरह दबाए रखेंगे। पोको लिख के आ गया, पावर बटन छोड़ दिए, और जैसे ऑप्शन आएगा तो वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे। आ गया, वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ दिए। अब यहाँ आपके डिस्प्ले पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर में लिखा है मेन मेनू, पहला नंबर में लिखा है रिबूट, सेकेंड में लिखा है वाइप डाटा, और लास्ट में लिखा है कनेक्ट विथ MI असिस्टेंट। तो हम लोग यहाँ सेकेंड नंबर वाइप डाटा पे आना है। तो वाइप डाटा पे आने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम डाउन बटन दबाना होगा। आ गए वाइप डाटा पे, अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। जैसे पावर बटन दबाएंगे, यहाँ लिख के आएगा वाइप डाटा, यहाँ पहला नंबर लिखा है बैक टू मेन मेनू, लास्ट में लिखा है वाइप ऑल डाटा। तो हम लोग को वाइप ऑल डाटा पे आना है फिर से। तो वॉल्यूम डाउन बटन दबा के आ जाएंगे। ठीक है, आगे वाइप ऑल डाटा पे, अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। जैसे पावर बटन दबाएंगे, यहाँ लिखा है कंफर्म वाइप ऑफ ऑल डाटा, यहाँ पहला नंबर में लिखा है कैंसिल, लास्ट में लिखा है कंफर्म। तो हम लोग को कंफर्म पे आ जाना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन से कंफर्म पे आ जाएंगे। आगे कंफर्म पे, अब हम लोग इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। जैसे पावर बटन दबाएंगे, हमारा फोन जो वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। देखिए हो चुका है, यहाँ लिखा चुका है डाटा वाइप सक्सेसफुली। अब यहाँ लिखा हुआ है बैक टू मेन मेनू, तो पावर बटन दबा के मेन मेनू में चले जाएंगे। आगे मेन मेनू में देखिए, मेन मेनू लिखा है, अब यहाँ देखिए पहला नंबर में लिखा है रिबूट, तो इस बार हम लोग को रिबूट पे ही रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। जैसे पावर बटन दबाएंगे, यहाँ लिख के आएगा रिबूट, यहाँ पहला नंबर में लिखा हुआ है रिबूट टू सिस्टम, लास्ट में लिखा है बैक टू मेन मेनू। तो हम लोग को रिबूट टू सिस्टम पे ही रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। जैसे पावर बटन दबाएंगे, हमारा फ़ोन जो है रिबूट वोट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 से 6-7 मिनट लग सकते हैं। तो जब तक हमारा फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए, तब तक हम लोग को वेट करना है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। फ्रेंड, ये हार्ड रिसेट प्रोसेस है। हार्ड रिसेट कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे फ़ोन पे FRP लॉक भी लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे जाए, वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को देख के अपने फ़ोन का FRP लॉक भी अनलॉक करें। फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो थोड़ा सा भगा दिया हूँ, थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन इसी तरह से खुल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्टार्ट पे टैप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। वीडियो को देख के अपने फ़ोन का FRP लॉक भी अनलॉक कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।